नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख कछार जिले के भुवन पहाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि के दौरान भुवन दर्शन के तहत विक्रम पाल नाम की एक युवक की हुई मौत, परिवार में छाई दुखद माहौल। क्षेत्र के विवेकानंद रोड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के सहयोग से चल रही है उच्छेद अभियान, सरकारी जमीन खाली करवाने की चल रही है प्रयास। कछार जिले से कुष्ठ रोग निवारण किए जाने के उद्देश्य को सामने रखता था बच्चों को सुस्वास्थ्य गठन किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन उठा रही है अहम कदम, जिला उपायुक्त की तिजोली ने दिया विस्तारित जानकारी। कछार जिला प्रशासन ने कछार के अन्य छात्रों के साथ मुहिम अहमद नाम के एक छात्रा को यूक्रेन से निकाल कर भारत लाने की चल रही है प्रयास। उदाहरण विधानसभा केंद्र के ठालीग्राम राजा गोविंद चंद्र राय पाठागार में श्रद्धा के साथ पालन किया गया सुवर्ण जयंती, आयोजित किए गए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिवरात्रि के पावन तिथि के अवसर पर कछार जिले के सुनाई विधानसभा केंद्र के भुवन पहाड़ क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार तीर्थ यात्रा में गए विक्रम पाल नाम के एक युवक के दिल का दौरा पड़ने से इस क्षेत्र में उनकी मौत हो गई। अपने पत्नी को लेकर भुवन तीर्थ में गए थे, लेकिन इसी दौरान एकाएक उनकी कार्डियक में खराबी आ जाने पर उनकी मौत हो जाएगी, जिसके चलते लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। परिवार सदस्यों में मातम का दौर चल रहा है। कछार जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करते हुए विक्रम पाल की शव को वहां से शिशु चिकित्सा महाविद्यालय लाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात सबको पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्य के हाथों सौंप दिया गया। एकाएक विक्रम पाल के निधन हो जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल है, तीर्थ यात्रियों में भी दुखद माहौल देखने को मिल रही है। कछार जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकारी जमीन खाली करवाए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के विवेकानंद रोड क्षेत्र में उच्छेद अभियान चलाया जा रहा है। अवैध तौर पर कई व्यापारियों द्वारा निर्माण किए गए कई मकान तथा कालवाट व दूसरे कई अस्थायी तौर पर बनाए गए निर्माण शाखा के भवन व दूसरे कई कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी तोड़फोड़ किए गए। सरकारी जमीन खाली करवाने के उद्देश्य को सामने रख यह एविक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कछार जिले को लेप्रोसी मुक्त यानी कुष्ठ रोग से मुक्त किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा 7,14,000 बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाए जाने के लक्ष्य को सामने रख मंगलवार को शिशु किशोर किशोरियों के एक सहयोगितामूलक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कछार के जिला उपायुक्त ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। सिलचर के मालूग्राम गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में इस संदर्भ में विस्तारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज नेशनल लेप्रसी इराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक पायलट ले रहा है। ये 6 महीने के प्रोग्राम में आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट एंड बेसिकली इराडिकेशन ऑफ लेप्रसी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। ये आज हमारे साथ WHO कंसल्टेंट डॉक्टर मनी भी आए हैं, NHM का सपोर्ट है। आज आज अवेयरनेस मीटिंग के लिए पहले सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है। 6 मंथ्स में आइडेंटिफाई किया जाएगा एट टी गार्डन्स एंड वेरियस अदर सच प्लेसेस। हमारी फोकस ये रहेगी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रसी सो दैट द पेशेंट गेट्स क्योर्ड इन 6 मंथ्स पीरियड एंड लेटर डिटेक्शन जो अडल्ट ऑनसेट जो बोलते हैं जो सीवियर केसेस को 1 ईयर ट्रीटमेंट में थ्रू रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑल्सो वी कैन रिजोल्व लॉट ऑफ इश्यूज। उसी का हम प्रयास में आज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। डिस्ट्रिक्ट बहुत इंटरेस्टेड है कि इसको आगे लेके जाने के लिए। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम बताना चाहते हैं कि लेप्रसी हैज़ नॉट बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री,
इट इज जस्ट रिड्यूस्ड इन नंबर्स, सो एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न वो कम हो चुका है बट पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। मैं दूसरी चीज ये भी बताना चाहती हूँ, इट इज क्योरेबल, इट इज डेफिनेटली क्योरेबल, 6 months 1 year ट्रीटमेंट के हिसाब से क्योर कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन स्पेशली इन किड्स करने से, हम उसको मैच्योर ना होते हुए अर्ली ट्रीटमेंट करने से बहुत जल्दी वी कैन असिस्ट ये जनता को कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं पब्लिक को अपील करना चाहती हूँ, देर इज नो स्टिग्मा अराउंड द डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इसको आगे लेके जाएंगे एंड लेट अस कम्प्लीटली डिक्लेयर दैट कचार इज इलेमिनेटेड फ्रॉम लेप्रसी थ्रू अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। आपका सहायता चाहिए होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत कष्ट कर रहा है इस स्कीम के अंडर, आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कचार प्रशासन ने कचार के साथ दो अन्य छात्रों के साथ कचार के लड़के मुहिम अहमद खान को सुरक्षित निकालने के लिए पहल शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से कई क्षेत्र में लोग बंकर में शरण ले रहे हैं। यूक्रेन में कई क्षेत्र में लोग जमीन के नीचे रहने की कोशिश कर रहे हैं। कचार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने मुहिम अहमद खान से फोन पर संपर्क किया और सुनिश्चित किया कि वो असम सरकार की हेल्प डेस्क के पोर्टल में पंजीकृत है और कचार के डीसी से निर्देश के अनुसार मंगलवार को अंचल अधिकारी काटीगुड़ा कावेरी रंगपीपो के सहयोग से इस क्षेत्र में विस्तारित जानकारी हासिल किया गया और उसे सुरक्षित यूक्रेन से लाए जाने की प्रयास भी चल रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए परिवार सदस्यों ने भी विस्तारित खुलासा किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुरोध करिया राष्ट्रीय एम्बेसी लगे आलोचना करिया हम जानी तो राष्ट्रीय हमारा मित्र देश आलोचना करिया जाती क्या आसाम जोगुला बच्चा आज खाली हमारे बच्चा नहीं हमारे मत ये अनेक माँ बाप आनते हाहाकार करते आज के बच्चे तो हर घंटा हर दिन काटे थे ফ্লাইট ব্যবস্থা করিয়া তোমাদের আনা হইল কিন্তু আমি দেখলাম আলোচনা করলাম তার সঙ্গে করার পরে কইল যে এদিকে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়, রোমানিয়া বা পোল্যান্ডের এদিকে রাস্তা এক এক পুরো একদিন যাবো রাস্তা যাইতে কিন্তু রাস্তার মধ্যে এমনভাবে বম্পিংব আর ইউক্রেনের সবদিকে সিভিলিয়ানে বন্ধু করেছিল কারণে এদিকে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়, একমাত্র রাশিয়ার বর্ডার দিয়ে যদি আমরা নেব আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা রাশিয়া বর্ডার যাইব ইয়া রাশিয়া দিয়ে পারি আইতে যাই। তাই আমি उदाहरण समस्ती के ठालीग्राम राजा गोविंद चंद्र पाठागार के सुवर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर बच्चे बूढ़े नौजवान और सभी स्तर के लोग बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली है। शीतल के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित श्री श्री अंबिकेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ शिव चतुर्दशी कार्यक्रम पालन किया जा रहा है। बंगाली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्तमान लोगों की तादाद इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण के साथ साथ लोगों को जल दूध व विभिन्न सामग्री भगवान शिव को चढ़ाते हुए भी देखे जा रहे हैं। মঙ্গলবার 12:39 রাত্রি 12:39 আমাদের পূজা শেষ হবে, আমাদের মন্দির পরিষ্কার করে তালা লাগাবো, তারপরে আমরা শিবরাত্রির পালন যেটাকে বলে আমরা এটা বুধবারে করব। দুপুর 11টার সময় আমরা শিব বাবাজিকে ভোগ দেবো, ভোগ দেওয়ার পরে সব ভক্তর মধ্যে আমরা প্রসাদ বিতরণ করব। নমস্কার, আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রলো, আপনারা শ্রী শ্রী অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির भुवन तीर्थ में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु लोगों की तादाद देखने को मिल रही है। लंबे अरसे के बाद कोविड प्रोटोकॉल न रहने पर तथा कोविड के
प्रभाव खत्म होने के चलते बड़े पैमाने पर भीड़ देखी जा रही है। उपजी हुई भीड़ की नियंत्रण में पुलिस प्रशासन दिन रात एक ड्यूटी हुई है। स्वास्थ्य परिसेवा से लेकर हर एक परिसेवा इस क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। श्रीनगर हुए भुवन पहाड़े जावर जे रास्ता जे दार से दारे हमारा सबाई मिले हुए लेकिन एक घंटा के आगे बहुत भीड़ था। कल होगा ज्यादा, कल और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, जैसे कि इंस्पेक्टर सर बोल पा रहे हैं कि कल और भी ज्यादा गैदरिंग हो सकता है, लेकिन आज इन लोग के इतने अच्छे काम से ये सब इतना कुछ मिला है आज हम लोग को। मैं अभी एक घंटा के आगे भी था, अभी आस्ते आस्ते जैसे आप समझ सकते हैं। इंस्पेक्टर सर बोल रहे हैं इन लोग के कर्मचारी कुछ बोलना चाहेंगे आप जैसे ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर, जो जितना यात्री लोग जा रहे हैं उन लोग को हम लोग सबको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग। आगे आइए हम सामने इंस्पेक्टर सर से बात करते हैं। कीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर लुत्फुर रहमान के स्मृति सम्मानना कार्यक्रम हाल ही में आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कुल 31 कीर्ति व्यक्तित्व को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में भूतपूर्व मंत्री तथा विधायक मिजबाल इस्लाम लश्कर, सिलचर जिला क्रीड़ा संस्था के सभापति बाबू रोड, सरला बिरला ज्ञान ज्योति स्कूल के अध्यक्ष राममोहन पाल, डीएसए के सह सभापति डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य, रामानंद गुप्त कॉलेज के डायरेक्टर रुद्रनारायण गुप्त, रेडियंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष कमरुल इस्लाम मजुमदार व दूसरे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सूत्र के अनुसार इस दिन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में यूएसटीएम के चांसलर महबूबुल हक भी मौजूद थे। इस दिन समाजकर्मी, खिलाड़ी, क्रीड़ा संगठन, सांस्कृतिक व दूसरे कई व्यक्तित्वों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल माय ट्रिब्यूट एंड माय दुआ फॉर एटर्नल पीस हेवनली प्लेस फॉर जनाब लुत्फुर रहमान साहेब फॉर अरुंधती दत्त राय, उन्हीं छिलेन গান মেলা অনুষ্ঠান করে থাকেন প্রতি বছর, মহিলা সংগঠনের মহিলা শিল্পী। এছাড়া ছিলেন আজকে নূপুর দাস, বর্তমান গায়ক। সর্বমোট আমরা 21 জনকে দিয়েছি, সব 21 জনকে প্রাইজ তুলে দিয়েছেন আমাদের মহবুব হক সাহেব। এছাড়া ছিলেন আমাদের সভাপতি ডাক্তার এম মাসুমের পুরো পরিবার। এছাড়া শিলচরের বিশিষ্ট জনগণ আজকে উপস্থিত হয়ে উনাদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দিয়েছেন। কাছাড় জেলা লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে জুজুং পাহাড় ক্ষেত্র শ্রদ্ধা মর্যাদা কে সাথ দেবাদিদেব মহাদেব কি পূজন কার্যক্রম চল রা হ্যায়। শিব চতুর্থী কে অবসর পর এই দিন কমিটি কে সভাপতি জন্টু রায় তথা দূসরে কার্যকর্তা কে মৌজুদগি মে শ্রদ্ধা মর্যাদা কে সাথ ভগবান শিব জি কা পূজন কার্যক্রম আয়োজিত কিয়া গিয়া আর মহাপ্রসাদ ভি বিতরণ কিয়ে গয়ে। सिलचर के मालूग्राम पंचानन शिवाड़ी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ
शिव चतुर्दशी के पावन अवसर पर हजारों की तादाद में भक्त प्राण पुरुष महिला युवक युवतियों की भीड़ देखने को मिली। कमेटी के संपादक भोला दत्त, वार्किंग सभापति असित रंजन दत्त, सभापति देवाशु सेनगुप्त, भूतपूर्व सभापति भास्कर दत्त, नीलोत्पल चौधरी तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष स्थिति के उद्यापन कार्यक्रम को लेकर विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। পঞ্চানশী বাড়ি দাঁড়িয়ে আছি। আজ মহাশিবরাত্রি, আমাদের পঞ্চানশী বাড়িতে প্রতি বছর নেয়। এবারে আমরা শিবরাত্রি শিব চতুর্দশী উদযাপিত হতে চলছে। প্রায় 2-3 হাজার দর্শক এসে গেছেন, বাবার মাথায় জল দিয়ে করি। প্রেসিডেন্ট আছেন, আমার প্রেসিডেন্ট আছেন, আমার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আছেন, আমার মেম্বার সবাই আমরা একত্রিত হবে। কী করে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা রয়েছি। বাবার আশীর্বাদে এগুলো আমাদের সম্পন্ন হবে, এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস। তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখানে একটা মনঃশান্তি বা মনঃসংযোগ এবং আতিথ্য পরায়ণতা দিয়ে আমাদের আজকের এই দিনটা অত্যন্ত শুভভাবে পালন করে থাকি। আজকের এই শুভদিনে আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদের প্রত্যেককে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করে আমি আমার এই শেষ করব। গ্রামীণ ক্ষেত্রকে কই মন্দিরমে देवादिदेव महादेव के जहां आराधना चल रहा है शिव चतुर्दशी के अवसर पर भक्त प्राण लोगों में खुशी की माहौल है, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में कई अलौकिक वारदात भी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के एक मंदिर में एक सांप को भगवान शिव जी के लिंग पर कुंडली मारकर इस क्षेत्र में रहते देखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। सांप को देखने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिर पर लोग जुटे। बड़ा कुबुत्ता का कीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से आयोजित बाक्स कीड़ा उत्सव 2022 को केंद्रित कर लोगों में उत्सुकता का माहौल वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 1 मार्च को सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में रोज कांदी प्रेस फाइटर्स तथा यासी मीडिया पैंथर्स के बीच मैच आयोजित किया गया, जिसमें यासी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल किया, जबकि रनर्स अप होने के बाद भी अच्छे रन रेट के चलते रोज कांदी प्रेस फाइटर्स को सेमीफाइनल की छूट मिल गई। गौरतलब है कि 2 मार्च को 2 सेमीफाइनल सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित किया जाएगा। अर्चना सिंह পরবর্তী পুরস্কার ম্যান অফ দ্য মোমেন্ট। দিনেশ চন্দ্র দাস মেমোরিয়াল সুপার এন্টারটেইনার এই পুরস্কারটি স্পন্সর করে কে পেতে পারে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার? এনি গেল দাসের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন অতীন দাস মহাশয় ও শঙ্কর দাস, বিশ্ব ক্রীড়া সংগঠক শঙ্কর দাস, কবি সাহিত্যিক অতীন দাস ও শঙ্কর দাস মহাশয়। অংশ নিয়েছেন বা দর্শক হিসেবে এসেছেন বা যারা সংগঠক সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই কর্মী জেলাকে নিলাম বাজার বিনোদনী ক্ষেত্র মে दो भाइयों के बीच गोलीबारी की वारदात तब हो गई जब उनके सब्जी के खेत में एक गाय ने प्रवेश किया। सूत्र के अनुसार दो भाइयों के बीच महज एक गाय घुसने को लेकर गोलीकांड होने पर लोगों में तनाव का माहौल छा गया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर कई परिवार सदस्यों को गिरफ्तार किया और इस संबंध में एक विदेशी पिस्तौल के साथ कारतूस भी जब्त किए। তুমি দেখছো নি?
তুক গুলি মারছে দুইজন দেখো মাকুট গুলি মারছে আমি এদিকে আছি তাই ভাই যুদা এটা তো বন্ধুক লিয়ে ঘুরে সব সময় তার ঘুরে আছে টাইফয়েড করে তাই বাইরে ফোন করছে ফোন করিয়া কইছে তা না আমার সবজি ক্ষতি করছে এ আইছে ইয়ে কইছে মারানি রুয়াই নো কি গিয়ে জগ করছে রে আমি তার বড় ভাই হে আমার ভাই সসার কাকা তো ভাই আমি কইছি গালাগালি করিস না কেন আমি দেখে দিম কই তো মানে ফায়ার করছে আমার ফায়ার করতেছে তো আরো তো বিস্তর তখন আমার বড় হড়ি গেছে তখন তার বই নিয়ে চলে গেছে তার ওই যে আল্লাহ বাসলাম সন্তোষ সন্তোষ আমার খবর পিস্তল বুয়া বাইয়ে বুনে বাকি সই বাইয়ে পিস্তল তিন রাত আট লাইন ও নো ও নো লাইন ওরে কইয়া দিন আছে নাম समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के भुवन पहाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि के दौरान भुवन दर्शन के तहत विक्रम पाल नाम की एक युवक की हुई मौत, परिवार में छाई दुखद माहौल। क्षेत्र के विवेकानंद रोड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के सहयोग से चल रही है उच्छेद अभियान, सरकारी जमीन खाली करवाने की चल रही है प्रयास। कछार जिले से कुष्ठ रोग निवारण किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा बच्चों को सुस्वास्थ्य गठन किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन उठा रही है अहम कदम, जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने दिया विस्तारित जानकारी। कछार जिला प्रशासन ने कछार के अन्य छात्रों के साथ मुहिम अहमद नाम के एक छात्रा को यूक्रेन से निकालकर भारत लाने की चल रही है प्रयास। उदाहरण विधानसभा केंद्र के ठालीग्राम राजा गोविंद चंद्र राय पाठागार में श्रद्धा के साथ पालन किया गया सुवर्ण जयंती, आयोजित किए गए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही, नमस्कार।